यूपी सरकार ने 10 जुलाई 2020 को रात 10 बजे से 13 जुलाई 2020 को सुबह 5 बजे तक एक बार फिर लॉकडाउन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लॉकडाउन पहले के लॉकडाउन जैसा ही है या इसमें कुछ बदलाव तो नहीं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि इस बार के लॉकडाउन में क्या खुला और बंद रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। इस लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के समस्त कार्यालय तथा सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। इस प्रतिबंध अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले जैसी ही होगी। इन आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी तथा डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लॉकडाउन के दौरान यूपी में रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथा आवश्यक बसों की व्यवस्था रोडवेज बसों द्वारा की जाएगी। इन बसों को छोड़कर परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध अवधि में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से आने जाने वालों के लिए गाड़ियों और मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन व इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। प्रदेश में 10, 11 और 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलेगा। इनमें शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों में लगे समस्त कोरोना वॉरियर अधिकारी कर्मचारी को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हर घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान चलता रहेगा। इससे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में निरंतर क्रियाशील रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष सभी बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इन कारखानों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य तथा एक्सप्रेसवे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। हर जिले में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण भी किया जाएगा। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।